दोस्तों आप सभी से नमस्कार। आप देख रहे हैं फरीदाबाद न्यूज, मैं धर्मेंद्र प्रताप सिंह। इस वक्त हमें 1986 विधानसभा के नागला इंक्लेव पार्ट टू में, और यहां पर देख रहे हैं जेसीबी पहुंची है और इनका कहना है कि आधी गली में सीवर का काम शुरू हो रहा है लेकिन आधी गली में काम नहीं हो रहा है। अब आधी गली वाले तो फंस जाएंगे बेचारे, वैसे ही कूड़ा करकट गंदगी से परेशान है, नालियां जाम है गंदगी में, ये पहले से रह रहे हैं। और आधी गली में जब सीवर डलेगा तो आधी गली वाले कहाँ जाएंगे, इस वजह से लोग परेशान है। महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, युवा भी हैं, यहाँ पर आए हुए हैं। क्या दिक्कत आ गई, क्या दिक्कत? आधी गली नहीं बनेगी, आधी गली नहीं बनेगी, बनेगी तो पूरी बनेगी। क्या पीछे इंसान नहीं रहते, क्या वोट नहीं देते? कहाँ से काम शुरू हो रहा है? आधी गली से हो रहा है, पीछे का छोड़ दिया, पीछे का छोड़ दिया। पीछे लोग इंसान नहीं है? हम इंसान नहीं है, हम जानवर है। बुलाया विधायक जी को नीरज शर्मा, कितनी बार मुहूर्त कर गया, कितनी बार ऑफिस में गए हम। अभी फोन करो, कह दो आओ भैया मदद करो, नंबर नहीं है हम पे, किसी के पास नहीं मदद भैया नंबर वगैरह। विधायक जी वगैरह को बुलाई यार, नीरज शर्मा जी को। परेशानी जायज है, आपकी परेशानी जायज है, आप लोग देख रहे हैं ये परेशान है, कह रहे हैं भैया क्या हम इंसान नहीं है। मांगते ना 100 मीटर में, क्यों आगे जाते हैं वोट मांगने जब हमें रहने की सुवर्थ ही ना होगी। चक्कर कह रहे हैं विधायक जी खत्म करवा दिया, पता नहीं कहाँ गए, अब खत्म हो चुका है, पता नहीं क्या रट्टा लगा रखा है जो आधा 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 क्या झूठ बोल रहे हैं, क्या खत्म करवा दिया? झूठ बोले होंगे, जब काम ही नहीं हो रहा, काम ही नहीं हो रहा, थम्मा लग रहे हैं, मीटर लग रहे हैं। चक्कर खत्म हो गया आप तो, चक्कर खत्म हो गया तो आधी गली में कैसे काम, आधी गली में क्यों काम कर रहे हैं? झूठ बोला जा रहा है आपसे, वही तो मैं कह रहा हूँ झूठ बोला जा रहा है। आपको भ्रमित किया, बनवाओ या पूरी गली बनवाओ। अगर काम शुरू हुआ होता तो वहाँ से शुरू हुआ होता ना, सीवरेज तो वहाँ से डलेगा, आधे रास्ते से काम शुरू करवा रखा। हवाई अड्डे में नहीं जाएगा कोई सादा पानी, हवाई अड्डे में आया एमसीएफ वाला, यहाँ पर आया, कोई नहीं आया, कोई नहीं रोकता। जेसीबी लेकर कौन आया? ये आया ठेकेदार। कहाँ गए? आप भैया से बातचीत करते हैं क्योंकि इनको ऑर्डर मिला होगा भाई कहाँ से क्या काम करना है। कौन है भाई ठेकेदार? आप हैं? आप जेसीबी लेके कौन आया है? इनकी क्या कमी, इनकी क्या कमी, इनको जो ऑर्डर मिला होगा वही करेंगे। भैया क्या बोला गया कि कहाँ से काम शुरू कराना है आपको? 400 फीट है, 400। हाँ, आगे 100 मीटर आ रही है, आगे छोड़ना है, आगे 100 मीटर आ रही है एयरफोर्स वालों। अच्छा, एयरफोर्स वालों की 100 मीटर आ रही है, पास नहीं है, पास नहीं है, ऐसा हमें बताया गया, ऐसा आपको बताया गया है। हमें तो जो ठेकेदार कहेगा हम तो भाई बोल कर रहे हैं। भैया इनको तो बताया पास ही नहीं है 100 मीटर, है पास नहीं है तो मत बनाओ, हाँ। मत बनाओ, सभी मत बनाओ, पर 100 मीटर में पास नहीं है तो नीरज शर्मा का खुद बयान है आगे तो कि भाई ये 100 मीटर का कोई दायरा खत्म है इस टाइम, तब बनेगी ठेकेदार बोल रहा खुद ही 100 मीटर का दायरा खत्म, नीरज जी खुद खत्म कर चुके हैं। एक मिनट भैया, विधायक जी का कहना है 100 मीटर का लफड़ा खत्म है, पास से नहीं, और मीडिया में निकली हुई है, न्यूज में निकली हुई है, हमें बोला गया 100 मीटर पास नहीं है, 100 मीटर पास नहीं तो 100 मीटर और गली अभी तो बनी हुई है, और गली अभी तो बनी हुई है, सारी गलियां बनी हुई है, पीछे गली बनी हुई है, सारी गलियां बनी हुई है, कोई ये गली थोड़ी ना है। कौन सी गली नंबर है? गली नंबर 16। गली नंबर 16 नजदीक बताओ, नजदीक सुभाष चौक। भैया जब यहाँ से डालोगे सीवर तो पीछे का पानी कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा पानी, पीछे वाले इंसान नहीं है क्या? तो गंगा जमुना बह जाएगी, दोनों साइड की नाली खुली हुई है, नाली बंद नहीं हो रही, नाली की जगह ही नहीं है तभी तो सीवर, ये कह रहे हैं नाली खुली रहेगी। एक मिनट भैया, मुर्दाबाद किनारे बाद में लगाना, ये कह रहे हैं नाली खुली रहेगी लेकिन नाली की जगह तो होनी चाहिए, गली तो उड़ जाएगी, है? गली तो उड़ जाएगी, पानी कैसे चढ़ेगा? इसीलिए डाला जाता है कि नाली खत्म हो जाए, नाली खत्म हो जाए, जगह आपकी बढ़ जाए, फिर आगे सीवर कहाँ जाएगा, पानी पानी कहाँ जाएगा? सीवर तो यही तो बीच गली में ना, सीवर तो आधी गली में हो गया ना, फिर आगे गली में कहाँ जाएगा? होना चाहिए तो पक्का करो या तो मत करो, आने जाने का रास्ता तो रहेगा आपका, आइए देख लेते हैं। आप परेशान मत हो भैया, आप तो ऑर्डर फॉलो कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आइए भाई दिखाते हैं इनकी परेशानी भी। अब विधायक नीरज शर्मा है, 1986 के कांग्रेस विधायक हैं,
उनको ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं भैया आओ हमारी मदद करो, लेकिन विधायक जी नहीं आए हैं। तो ये देखिए सीवरेज लाइन डल रही है, लेकिन यहाँ से काम शुरू हो रहा है। आओ जी आओ, किसी तरह चलते हैं भाई, बड़ी दिक्कत है यहाँ पर, विधायक कहाँ आ पाएंगे। देख रहे हो कैसे हम गिर रहे हैं भैया, हैं जी। आओ भाई आराम से आओ, बड़ी दिक्कत है, पब्लिक परेशान है यहाँ पर। फंस गए भाई आप लोग, हैं जी, फंस गए आधे लोग। चलो जी देखते हैं, ये भैया सब परेशान, काम बाद में फिर खुद आएंगे, फिर जैसी भी आएगी, हैं जी। आओ जी आओ, फंस गए, आओ जी आराम से, आओ जी। आप दिखाते हैं इनकी परेशानी, अब आपको समझ में आएगा। ये सारे मकान भी बने हुए हैं, अब ये लोग कहाँ जाएंगे, ये पानी कहाँ जाएगा, ये परेशान है बिल्कुल जी भाई। रोड कहाँ तक बनेगी, इतनी पतली रोड बनाएंगे फिर बाद में, वो भी कोई फायदा नहीं, क्यों भाई। सीवरेज डल जाएगा कह रहे सीवरेज डल जाएगा, मान लो नाली खुली भी रही तो रोड तो इतना बन जाएगा, फिर क्या फायदा। दो बार गलियां बन गई है, बताओ अभी बढ़ गया एक महीने दो बार, हाउ टैक्स ले रहे, क्या नहीं ले रहे हमसे। वहाँ सीवर गिर गया, टूट गया, बन गया, फिर दोबारा बना रहे, घरों में पानी जाएगा। अभी बारिश के मौसम में देखना तुम घरों में क्या हाल होगा, यहाँ का घर घरों में पानी जाएगा। और गली में एक कितने लोग होंगे, मुझे लगता है अगर गोलाई में देखा जाए तो 4-5-10 हज़ार तो लोग प्रभावित होंगे, बिल्कुल उससे ज्यादा। तो यहाँ पे पब्लिक है, 100 मीटर के लिए मना कर रहे, 100 मीटर के लिए अपने पैसे से नाली बनाई पहले, अपने पैसे, हमने अपने पैसे से बनाया, देखो पब्लिक कैसे पैसे और घर तक नाली नहीं पहुँची हमारे, जब भी 1000-2000 रुपए दे दे घर भैया, दो तीन और आइए और देख लेते हैं, आइए चलो भैया चलो। देखिए भैया कितने परेशान है लोग, कहाँ जाएंगे लोग, परेशान है, घर बने हुए हैं, मकान बने हुए हैं और कई वर्षों से रह भी रहे हैं। इन्होंने फोन किया भाई धर्मेंद्र आ जाओ हमारी थोड़ा परेशानी दिखाओ, तो हमने सोचा चलो भैया चलते हैं, और बड़ी मुश्किल से तो यहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्योंकि आने जाने का सही रास्ता नहीं, रोड वगैरह तो आप देख ही रहे हैं, नाली जाम, कचरा, कूड़ा, गंदगी, करकट, नरक जैसे हालातों में ये पहले से रहते आ रहे हैं। अब सीवर लाइन नहीं डलेगी तो बड़ी दिक्कत पैदा हो जाएगी, देख सकते हैं भैया पाइप वाइप तो पड़ी है सीवरेज की, लेकिन इसको यहाँ पर नहीं डाला जा रहा है, यहाँ पर कोई खुदाई नहीं हो पा रही है। अब सवाल ये उठता है भैया, जब यहाँ पर मकान बने हुए हैं, जो लोग रह रहे हैं, हाँ जी बिल्कुल जी भाई बिल्कुल, ये देखिए मकान बने हुए हैं और इनको सीवर का कनेक्शन ही नहीं मिलेगा, अब परेशानी यही है तो क्या फ़ायदा। अब विधायक जी कहते हैं भाई हमने तो 60 फीट वाला जो 100 मीटर वाला लफड़ा है उसको ख़त्म करवा दिया, लेकिन यहाँ पर नगर निगम वाले खुद ही कह रहे हैं, जेसीबी वाला खुद ही कह रहा है कि पास ही नहीं है 100 मीटर, तो कहाँ से हम बनाएं। आइए देखते हैं, अच्छा यहाँ सीवर लाइन डाला हुआ है, तब तो गड़बड़ हो रही, फिर जब यहाँ पीछे की गली में डाला हुआ है तो आइए भैया देखते हैं, दिखा भाई कैमरा मैन उठा के, अच्छा यहाँ तक सीवर डली हुई है तो यहाँ भी डलनी चाहिए फिर तो, हैं? बिल्कुल जी भाई, एक गली में डली हुई है, दूसरी गली में नहीं डल रही है तो गलत ही हो रहा है इनके कहने के मुताबिक। यहाँ तक है रोड भी बना है, सीवर भी डली हुई है, अच्छा जी पीछे दिखाएंगे तो पीछे तो और है, पीछे दिखाते हैं। चलो जी देख लिया हमने आपकी परेशानी, समझ ली, यहाँ कुछ न कुछ गड़बड़ी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, परेशान है पब्लिक, सब गली बनी पड़ी है, सब गली पड़ी हुई है, बनी हुई है भाई, सब गली बनी हुई है, तो भाई ये भी बनना चाहिए यहाँ तक, जहाँ तक मकान है, ये सबकी यही मांग है कि जहाँ तक जो है रोड बना हुआ है वहाँ तक जो है आप सीवर डालो, रोड डालो, बनाओ और इनकी समस्याओं को खत्म करो, ऐसी इनकी मांग है। कम से कम यहाँ तक तो बनवाओ, यहाँ तक तो जायज लग रहा है, यहाँ तक बनवाओ, ये पानी है जो कहाँ जाएगा हमारा, ये कहाँ जाएगा पानी हमारा, सारे इकट्ठे हो जाएगा पानी, घर में घुसा को पानी है। तो दोस्तों इनकी समस्या का समाधान होना चाहिए, इनकी परेशानी जायज है, अगर मकान बने हैं, अगर बिजली मीटर वीटर तो सब लगा होगा, सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है करवा रहे हैं, तो आप लोग देख रहे हैं भाई सब कुछ है, तो उनको सीवर भी मिलना चाहिए, पानी लग जाता है, सिर्फ आदमी नहीं, कौन देगा, गिर जाता है।
सारा पानी भर जाता होगा ना बारिश में, इतना पानी बारिश में पानी भर जाता होगा यहाँ। और क्या अगर ऊंची हो जाएगी आगे से फिर क्या होएगा बताओ, नालियाँ बंद हो जाएंगी तो पानी कहाँ जाएगा। अभी अभी आप क्या कह रहे हैं, इनको काम बंद करा रहे हैं? बंद करा रहे काम बंद होना चाहिए। काम करो तो यहाँ से करो। इनका कहना है आधे से काम मत करो, क्योंकि इनकी जो है इनका जीवन नरक बन जाएगा अगर यहाँ पर सीवर नहीं बना। हमारी बाद में भैया वो लोग कहेंगे नाली भी बंद करो, बिल्कुल आगे वाले कहेंगे नाली भी बंद करो, क्योंकि ये पानी उधर ही जाएगा, यहाँ का पानी इधर ही रह जाएगा, परेशानी जाएगी भाई। सर आपकी हम वीडियो डेली देखते हैं, मैं डेली देखता हूँ आपको, मैंने कई बार देखा वीडियो में, लाइव में भी देखा, हर चीज में देखा। यहाँ से ना इस गली को छोड़ के ये लास्ट का एरिया देखो, इस गली में चले जाओ पीछे चार पांच गली में दसों में किसी में भी घुस जाओ, लास्ट तक भी ना लास्ट तक भी आपको लास्ट तक बनी हुई बनी गली इस गली में क्या ऐसा वहाँ तक है। मैंने मान लिया सर ये भी ना काम, ये काम भी खाली इतना ही होगा जितना होना है, सीवर तक भी ये गलत हो रहा है भैया, गलत हो रहा है। अब आपसे कहेंगे आप अपना पैसा लगा के बनाओ, ऐसा भी बोलेंगे, यही कहा जा रहा है। आप समझ में आया घोटाला? एक मिनट, आप घोटाला समझ में आया? इन ये मजबूर हो जाएंगे भाई, अपने पैसे से ये सीवर लाइन डलवाएंगे, यही घोटाला है कि पैसा इनका खर्च करवाया जाए और पैसा बचा लिया जाए। घोटाला है, पब्लिक से पैसे लूटने का घोटाला है कि इनका काम मत करो, आधा काम करो, आधा मजबूर हो जाएंगे, अपना पैसा खर्च करेंगे, अपनी खुद लाइन डलवाएंगे और करोड़ों रुपए बचता है, करोड़ों रुपए का। इसी चक्कर में है ये, पैसा खाने के चक्कर में। ये घोटाला नहीं होना चाहिए भैया, आप लोग इसको देखिए, बताइए नेताओं को, बताइए कि घोटाला रोकें और जनता के काम कराएं। बड़े परेशान हैं ये लोग। एड्रेस बता दिया, गली नंबर 16। ये जेसीबी रोकी जाए, काम होगा पूरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। बस जेसीबी तो रुक गई है, काम तो रुक रोकी जाए और काम बंद करा जाए भैया। अब काम नहीं होगा क्योंकि हम लोग नरक में नहीं रहना चाहते। तो देख रहे हैं जो भी होगा बताएंगे आपको। फरीदाबाद न्यूज से धर्मेंद्र प्रताप सिंह, नमस्कार।